हाय फ्रेंड्स, आज हमारा रमज़ान स्टार्ट हो गया है। हमारे तरफ़ से सबको रमज़ान मुबारक हो। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक रेसिपी नहीं दिखाऊंगी, आपको रमज़ान की तैयारी दिखाऊंगी कि किस तरीके से हम रमज़ान की तैयारी करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे यहाँ 3 बज रहे हैं, अब 3 बज जाते हैं, जैसे हम 2:30 से 3 बजे के बीच रमज़ान की तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि बहुत सी रेसिपी बनानी होती है, छोटे छोटे थोड़े थोड़े, तो हमें बहुत टाइम लगता है। तो पहले हम 2:30 बजे के करीब से काटने की तैयारी कर लेते हैं कि हमें क्या क्या बनाना। तो रमज़ान में चने की घुगनी होती है और पकौड़े, तो ये तो डेली ही बनते हैं, बिल्कुल रोज़ चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, पहला रमज़ान है तो हमने पालक ले लिया है, आलू है, प्याज है और बैंगन है, इसकी हम थोड़े थोड़े पकौड़े बनाएंगे। तो इसको फ्रेंड्स, हम एक एक चीज़ आपको नहीं दिखा पाऊँगे, तो थोड़ा थोड़ा मैं आपको दिखाऊँगी कि क्या क्या बनते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको काटने चलती हूँ, उसके बाद आपको मिलती हूँ काटने के बाद। तो जैसा कि देख सकते हैं, हमने पालक को अच्छे से धो के काट लिया है और बैंगन है, आलू है, प्याज को भी हमने काट लिया है। फ्रेंड्स, हमें इस दिन का बहुत वेट होता है, हम 1 साल से वेट करते हैं, जो रोज़ा रहते हैं, रमज़ान का वेट सब लोग बहुत बेसब्री से करते हैं। ये महीना इतना गुलजार और इतना पाक महीना होता है, जो रोज़दारियों के लिए बहुत बहुत खुशी की बात होती है। इसके लिए बहुत लोग उम्मीद से शिद्दत करते हैं कि हम रोज़े रहें, ये महीना रमज़ान का स्टार्ट हो। तो आज महीना स्टार्ट हो गया है फ्रेंड्स, बहुत खुशी की बात है कि हमें पहला रोज़ा मिल चुका है। तो हम इस तरीके से तैयारी करते हैं। तो हमने पकौड़े की तैयारी कर ली है सबसे पहले, अब हम चने को चलेंगे धोने। देख सकते हैं, फैमिली के हिसाब से चना कम ज़्यादा सब लोग भिंगोते हैं। हम लोग सुबह सुबह जब भोर में उठते हैं तो चने को भिंगो देते हैं। चना अच्छे से फूल चुका है, तो इसको 2 से 3 पानी हम धोते हैं। सबसे पहले हम चने ही बनाना स्टार्ट करते हैं अधिकतर। फटाफट हमने चने को भी धो लिया है। और फ्रेंड, जैसे कोई सब्जी बनानी है, कुछ भी बनानी है, तो हम तैयारी क्या करते हैं, प्याज ज़्यादा काट लेते हैं, या नॉनवेज जिस दिन बनाना हो तो और भी प्याज काट लेते हैं, मिर्ची काट लेते हैं, ताकि हम बार बार ना काटें, एक ही बार इकट्ठा हम कर। हमें याद है जब हम बचपन में छोटे थे तो हमारी मम्मी लोग, उस टाइम मिक्सर भी नहीं हुआ करते थे, गैस भी नहीं हुआ करते, तो हमें याद है वो 1 से 1:30 बजे लग जाती थी और धीरे धीरे सबका, उस टाइम बेसन भी नहीं होते थे, चने को भिंगो के लोग सील पे पीसते थे पकौड़े के लिए। तो वो लेडीज़ बहुत मेहनत की हैं पहले की, आज के टाइम में तो कुछ भी मेहनत नहीं है, फटाफट सब कुछ रेडीमेड आ जाते हैं और फटाफट रमज़ान की तैयारी हो जाती है। तो बहुत हमें टाइम भी बच जाता है, जिसे हम अच्छे से तिलावत नमाज कर सकते हैं। तो गर्मी भी अभी उतनी स्टार्ट नहीं हुई है, मौसम बहुत अच्छा है। आप अगर रोज़दारी हैं तो आप ज़रूर रोज़ा रखिए, बहुत अच्छा है, बहुत खुशी मिलेगी, बहुत सुकून मिलेगा। तो हम सबसे पहले चने को बनाएंगे। तरफ ये मिर्ची भी है, मिर्ची भी हम खूब काट के रख लेते हैं, जिसमें जितनी ज़रूरत है हम उस हिसाब से डालते जाते हैं। छोटी चीज़ होती है चने के दाल, जो कच्चे चने के दाल होते हैं, इसको भिंगो के हम इसको उबालते नहीं, सिर्फ कच्चा नमक प्याज नींबू खीरा सब डाल के बनाते हैं, बहुत टेस्टी होता है चने के साथ। तो इसको हम पहले इसी बीच बीच में इसको धो के तैयार कर लेते हैं, ताकि ये हम भूल चूक से भूल ना जाए, तो इसे भी हम धो लेते हैं साथ साथ। तो धो लिया, हम साइड में करते हैं, बाद में मिलाएंगे, अभी कुछ नहीं, नहीं तो महक आ जाता है। बस धुल के हम साइड में करते हैं और सामने, क्योंकि पूरा ध्यान देना पड़ता है ये 3-3.5 घंटे कि कुछ छूटे ना फटाफट। तो हम गैस पे चलते हैं। फिर मैंने पूरा नहीं दिखा पाई थी, प्याज मिर्ची को थोड़ा सा लाल करके इसके चने को डाल देते हैं और नमक डाल के सिंपल सी, और 1/2 गिलास पानी डाल के हम 3 सीटी लगा लेते हैं, एकदम परफेक्ट चना बन जाता है। तो इसको हम सीटी लगा के आपको कुक करके ही दिखाऊंगी। जब तक चने हो रहे हैं तब तक हम चटनी बना लेते हैं फटाफट। चटनी बहुत अच्छी, बहुत ज़रूरी है रमज़ान में। चटनी जो भी, इमली की हो, जैसे भी हो, धनिया की हो, आप बना लीजिए, लेकिन मेरी रेसिपी से बनाएंगे तो बहुत फेवरेट चटनी होने वाली है। थोड़े हरे मिर्च ले लिए हैं, लहसुन ले लिए हैं, थोड़ा सा धनिया का पत्ता और आम के अचार या आमचूर डाल दीजिए, इतनी अच्छी पकौड़े के साथ लगते हैं फ्रेंड। मेरे को इससे अच्छी कोई चटनी पसंद ही नहीं आती इस रमज़ान में। तो इसको भी हम चाकू से काट के डाल लेते हैं, बिल्कुल इस तरीके से आराम से निकल जाते हैं, इसके गुठली है उसको हम नहीं डालेंगे।
अनुसार नमक थोड़ा सा डाल देते हैं, साथ साथ पीस लेंगे। इसमें 1 से 2 चम्मच सिर्फ पानी डालेंगे और कुछ भी नहीं डालेंगे, इसको फटाफट हम पीस लेते हैं। चटनी भी रेडी हो गई है, तो इसको निकाल, चटनी हम ज़्यादा नहीं बना के रखेंगे क्योंकि हम ताज़ा ताज़ा डेली बनाते हैं, तो बस खाने के ही हिसाब से हम चटनी इसको, ये चटनी इतनी टेस्टी बनेगी फ्रेंड्स कि आप। इस तरीके से हमने चटनी भी बना लिया। अब फटाफट फ्रेंड्स कुछ मीठा बनाना है, तो कुछ मीठे पकौड़े बनाएंगे, तो उसकी हम तैयारी करते हैं। 1 कप के करीब हमने गेहूँ का आटा अच्छे से चाल के रख लिया है। जाएंगे थोड़े से इलायची पाउडर, नमक डालूंगी जिससे टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होगा। ये है मीठा सोडा जो खाने वाला है, छोले में पड़ता है, इससे बहुत अच्छा टेस्टी बनेगा, तो इसको 1 चम्मच के करीब हम डाल देंगे। 1 चम्मच के करीब गरी का बुरादा है, इसको डाल देंगे। 1/2 कप सूजी है, सूजी भी इसी के अंदर डाल देंगे। अब इसमें चीनी डालेंगे हम 2 कप के करीब, इसी से डबल कर देंगे। ये हुआ, अब इसको हम हाथों से इस तरीके से मिक्स करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, एक साथ हम पानी नहीं डालेंगे और हाथों से ही घोल बनाएंगे, जिससे बहुत परफेक्ट होगा और बहुत सूखा भी नहीं रखना है। मैं दिखाऊंगी कि परफेक्ट कितना करना, बहुत अच्छे इसके पकौड़े बनते हैं। रमज़ान में आप ज़रूर बनाइए, वैसे भी आप बना के खा सकते हैं। बच्चे अब तो गर्मी आ रही है, काफ़ी बड़े दिन होने लगे, तो शाम के टाइम बच्चों को कभी भी बना के देख सकते हैं। तो देखिए एकदम इसी तरीके का हमें करना है और परफेक्ट बिल्कुल इजी हो जाते हैं और बच्चों को बड़ों को बहुत पसंद आते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हम कर लेंगे और इसे भी हम बनाने से आधा घंटा पहले ही घोल के रखते हैं, तो ये परफेक्ट इस तरीके से तैयार हो जाता है। के अंदर हमें पानी नहीं डालना और इस तरीके से हम करेंगे तो ये परफेक्ट जब हम छानेंगे तो इतनी बेहतरीन होगी। तो इसका होता है कि 4 से 5 मिनट तक हाथों से इस तरीके से फेंट लीजिए एकदम परफेक्ट, तो ये पकोड़े इतने बेहतरीन बनेंगे। ये हमारी मम्मी बनाती थी बचपन में, बहुत हम लोग पसंद से खाते थे। तो ये रेसिपी मैं आपको, मेरी मम्मी की बनाई हुई रेसिपी है जो मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ। तो ये बिल्कुल रेडी है, कुछ नहीं डालना है। जब हम फ्राई करेंगे तो पकौड़े से पहले हम मीठे फ्राई करते हैं, तो सबसे पहले हम इसी को उसी तेल में फ्राई कर लेंगे, उस टाइम मैं दिखाऊंगी आपको। फ्रेंड्स चने भी तैयार हो गए हैं, तो इस तरीके से देखिए एक एक बर्तन में हम निकाल के अलग अलग रखते जाते हैं। तो ये चना परफेक्ट रेडी हो गया है, इसके ऊपर जो भी हमें डालना होगा, पहले हम चने बना लेते हैं उसके बाद ही डालते हैं, पहले से कुछ भी नहीं डालेंगे नहीं तो वो गल जाएंगे। जब रमजान रोज़ा खोलने से हम 15 मिनट पहले इसके अंदर जो भी डालना है तो वो डाल देंगे। अब चने रेडी हो गए तो इसे भी हम साइड में करेंगे, दूसरी तैयारी देखते हैं। तरीके से हमने फटाफट फ्रूट भी कटिंग कर लिया। फ्रूट आपको जो पसंद है, आपके घर में जो होता है वो ले लीजिए, ऐसा नहीं कि हमें यही इसी से रमजान रोज़ा खोलना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो फ्रूट को भी हम साइड में रखते हैं, मैं बस अपना तैयारी दिखा रही हूँ कि किस तरीके से हम करते हैं। यहाँ पे तीसरी चीज़ होती है फ्रेंड्स शरबत। शरबत तो ज़रूर है रोजे में, आप रुआबजा का लो, टैंक लो, कोई नींबू पानी लो, दही लो, किसी चीज़ का, लेकिन रुआबजा का बहुत ज़रूरी होता है। तो उसकी तैयारी के लिए चाहे तो आप चीनी पीस के रख लीजिए या चीनी भिगो दीजिए। तो हम चीनी भिगो देते हैं, पहले से जितनी फैमिली है उस हिसाब से हम चीनी कम ज़्यादा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा पानी डाल के चीनी को घुलने के लिए रख देंगे। इसको पानी डाल देंगे, नॉर्मल पानी लेंगे, इसको भिगो देंगे। आधा घंटा पहले ये भी तैयारी करके रखना पड़ता है, वैसे चीनी पीस के भी रख सकते हैं। ये है रुआबजा, बिल्कुल इजी, कहीं पे भी मिल जाता है, ग्रोसरी ऑनलाइन मॉल में कहीं पे भी, बहुत फ़ायदा करता है रोजे में। तो ये रुआबजा हम बाद में डालेंगे, पहले जब शरबत हम तैयार कर लेते तो इसको भी हम साइड में करते हैं, दूसरी तैयारी देखते हैं। हमें खाने की भी तैयारी करनी होती है, जैसे आटा गूंथ के रख लेते हैं, सब्जी बना के रख लेते हैं, वेज नॉन वेज कुछ भी बनाना है तो चलते हैं घूरने। तो ये बेसन है, हमने पहले से चाल के रख लिया है। तो सबसे पहले हम बेसन निकालते हैं, बेसन कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से करिएगा, कोई ये नहीं है, मेरी जितनी फैमिली है उस हिसाब से हम बेसन, जिस जिसके पकौड़े हैं उस हिसाब से हम बेसन निकाल लेंगे। यहाँ पे माप कोई वैल्यू नहीं है, तो इतना हम बेसन ले लेते हैं। रोजे में अगर कम भी फैमिली है तो 250 ग्राम 300 ग्राम तो बेसन लगते ही लगते हैं एक दिन में। तो इस तरीके से हम 250 ग्राम के हिसाब से बेसन निकाल लिए हैं। रोजे में
नमक भी बहुत वैल्यू होता है, तो नमक आप अपने हिसाब से करिएगा। मेरा तो एकदम परफेक्ट होता है, तो 1 चम्मच से ऊपर है बेसन में नमक, एकदम परफेक्ट होगा। 1 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर डाल देंगे, के करीब मिर्ची पाउडर डाल देंगे। तरीके से इसे हम मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमें आलू की और बैंगन की बैगनी जो होती है पकौड़े निकालने होते हैं, तो उसके लिए हम पहले एक बार ही करेंगे। और प्याज साग के लिए भी हमने बेसन इकट्ठा ले लिया है, क्योंकि बार बार हम इसको नहीं करेंगे, तो पहले हम इस तरीके से गीला नहीं करेंगे, सूखा मिला लेंगे। तो मैं कभी भी बनाती हूँ तो एक एक बार कर लेती हूँ, उसके बाद इसी में से निकाल लेती हूँ। तो इस तरीके से जब हम परफेक्ट मिक्स हो जाएगा, तो साइड में हम जितना हमें प्याज में और पालक में लगेगा उतना बेसन हम निकाल देते हैं इस तरीके से एक बर्तन में, और उसके बाद हम घोलते हैं इस तरीके से। अब इसको हम घोल लेंगे तो ये परफेक्ट हो जाएगा। घोल के हम बेसन को रख देंगे थोड़ा सा पहले, ताकि एकदम पकौड़े बहुत बेहतरीन होंगे। इस तरीके से परफेक्ट हमने घोल बना लिया है एकदम। तो इसको हम थोड़ा सा रख देंगे, अच्छे से फूल जाएगा, जिससे पकौड़े बहुत बेहतरीन होंगे। तब तक दूसरी तैयारी देख लेते हैं। ये चने का दाल है, इसको हम तैयार कर लेते हैं। प्याज काट देते हैं, मिर्च भी डाल देते हैं, खीरा है और मूली है, इसमें से भी डाल देंगे। थोड़ा सा धनिया पत्ता फटाफट काट लेंगे। थोड़ा सा हम साइड में नमक रख देंगे, ताकि बाद में हम भूले ना जल्दीबाजी में। और ये नींबू है, इस तरीके से रख देंगे, और जब रोजे खोलने से पहले डाल देंगे, ताकि पहले करेंगे तो इसमें पानी छोड़ देगा, इसलिए इसको मिक्स नहीं करेंगे, बस इस तरीके से हम डाल के छोड़ देंगे। इस तरीके से हम मीठे वाले पकौड़े से स्टार्ट कर देते हैं बनाना। देखिए कितना बेहतरीन हो रहा है फ्रेंड। तो इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे हम फ्राई करते हैं, बहुत बेहतरीन होता है, बच्चे बड़े सबको पसंद आते हैं। देखिए कितने बड़े बड़े फूल के हो चुके हैं। तो ये परफेक्ट रेडी हो चुका है, तो इसको हम फटाफट निकाल लेंगे। दूसरे बैच को भी हम इसी तरीके से फ्राई करेंगे। कैसे परफेक्ट हो गया, ऐसे साइड में कर लेंगे, जो एक्स्ट्रा तेल है निकल जाएगा। देखिए कितनी बेहतरीन हुई है ना। तो इसी तरीके से दूसरे बैच का भी हम सेम इतना इतना रखना है, और इस तरीके से हमें डालते रहना है। थोड़े दूर दूर पर डालेंगे, पास में हम नहीं डालेंगे, क्योंकि इसका साइज काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो इस तरीके से और मीडियम टू लो फ्लेम पे हमें करना है। एक बार में हम 5 या 6 ही डालेंगे, 1 से 2 मिनट हो जाए। तो इस तरीके से हमें धीरे धीरे पलट लेना है। जब हो जाते हैं तो अपने आप इस तरीके से हट जाते हैं और पलटने लगते हैं, तो बिल्कुल इजी होता है। खाने में बहुत सॉफ्ट और बहुत टेस्टी होता है। जिसके दांत कमज़ोर होते हैं, बूढ़े लोग भी, बूढ़े बुजुर्ग घर के, वो भी इजी खा लेते हैं इसको। बच्चे भी जो नए नए अभी उनके दांत निकलते हैं, वो भी बिल्कुल आसानी से खा जाते हैं। तो इसलिए सबको ये पसंद आते हैं, तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तरीके से ये वाला भी अच्छे से फ्राई हो गया है। अब आ जाती है पकौड़े की बारी। तो सबसे पहले हम आलू वाले कर लेंगे, इस तरीके से घोले हुए, देखिए। तो फटाफट हम फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने का हम प्रोसेस 1 घंटा पहले स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से हम आलू के पकौड़े, जो बैंगन के हैं, किसी चीज़ के, फटाफट हम फ्राई करते हैं। ऐसे जो बेसन हम घोल के रखते हैं, देखिए कितने अच्छे से फूलने लगते हैं ना। तो इसीलिए कभी भी पकौड़े बनाने से पहले आधा घंटा आप घोल दीजिए, तो पकौड़े इतने बेहतरीन बनेंगे। देखिए एकदम खस्ता करारे बनते हैं, और देखने में भी सुंदर होता है। तो आप कभी भी अब पकौड़े बनाइए तो आधा घंटा पहले घोल के बेसन को रख दीजिए, उससे पकौड़े बहुत बेहतरीन बनेंगे और खाने में भी टेस्ट अलग आते हैं। तो देखिए इस तरीके से हम आलू के सारे पकौड़े तैयार कर लेंगे। आपको भी उम्मीद है मज़ा आ रहा होगा मेरे किचन में आज साथ देने के लिए। मुझे भी थकान महसूस नहीं हो रही, अच्छा लग रहा है, आप लोगों के साथ मिल रहा है। देख रहे हैं कितने फूले फूले पकौड़े आलू के हो रहे हैं, और एकदम बेहतरीन। रेसिपी तो पूछना ही नहीं है। तो ये लगभग तैयार हो चुके हैं पकौड़े, फटाफट निकाल लेते हैं, एकदम परफेक्ट तैयार है। दूसरे बैच का भी हम फिर से फ्राई कर लेते हैं उसी तरीके से। हम बैगन वाले भी इसी तरीके से फ्राई करेंगे।
बैंगन का भी देखिए सेम वही होता है, इस तरीके से कोट कर लिया जाता है। एक बार में जितने आएंगे उतने ही हम फ्राई करेंगे। फटाफट हम पलट लेंगे इसी तरीके से। देखिए ये इस पर भी कितना अच्छे से फूलने लगा है। तो बेसन जब अच्छे से घोल के रखेंगे ना तो पकोड़े बहुत अच्छे क्रिस्पी और फूले फूले एकदम बनते हैं। देखिए तो पहली बार में उम्मीद है आप भी एकदम परफेक्ट बना लेंगे। परफेक्ट हो गया है, इसको भी हम फटाफट निकाल लेते हैं। देखिए कितना बेहतरीन हुआ है। साइड में तेल कर देंगे। मैंने इसे भी फेंट लिया, देख सकते हैं एकदम बेहतरीन पालक और प्याज का पकौड़े परफेक्ट हो गए। तो फटाफट फ्राई करते हैं। पकौड़े भी एकदम परफेक्ट रेडी हो रहे हैं, इसको पलट लेते हैं फटाफट। बहुत टेस्टी बहुत क्रिस्पी बनते हैं फ्रेंड्स। हो गया है तो हम फटाफट निकाल लेंगे इस तरीके से। चिप्स की बारी, तो फटाफट हम चिप्स भी जो आपको पसंद है वो चिप्स हम फटाफट लास्ट में छानते हैं। तो फटाफट मैं स्टार्ट कर दी चिप्स छानना। ले लेंगे तो इस तरीके से हमने रोजे की पूरी तैयारी कर ली। उम्मीद होगा आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। इसी तरह के अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपको रोज़ लेके आया करूँगी। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप भी इंजॉय करिए, दुआओं में शामिल रहिए।